तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फेस स्केच करने वाले हैं चार्ट पेपर पर, तो हो जाइए तैयार क्योंकि चार्ट पेपर पर ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। तो चलिए मैं आपको चार्ट पेपर पर थोड़ा बहुत जानकारी दे देता हूँ कि आप लोग को भी आसानी हो स्केच ड्रॉ करने में चार्ट पेपर पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक चार्ट पेपर है और मुझे ये अभी नहीं पता है कि ये किस साइज का पेपर है या किस रेशियो का पेपर है। तो इसे हम स्केल से नापे और स्केल से नापने पर मुझे पता चला कि इसका जो ब्रेथ है वो है 55 सेंटीमीटर और जो इसका लेंथ है वो है 70 सेंटीमीटर। तो हमें इसे अब A4 पेपर में बदलना होगा ताकि जब हम इस पे ग्रेडियंट ड्रॉ कर पाए तो मुझे ज्यादा मुश्किलें ना हो और मैं आसानी से ग्रेडियंट इस पे ड्रॉ कर लूं। और फिर हम इस पर आउटलाइन पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, फिर आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और फिर करेंगे शेडिंग। जो सबसे हार्ड मेथड है वो है शेडिंग, हार्ड जो चीज है वो है शेडिंग, और फिर हम लोग इस पे आगे का काम करेंगे। तो हो जाइए तैयार, अब हम लोग इस पे ग्रेडियंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज, यहाँ पर जब हम ग्रेडियंट ड्रॉ करेंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब हम ग्रेडियंट ड्रॉ करते हैं तो पहले जो छोटा पेज था उसमें 2 सेंटीमीटर लेते थे और यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा पेज है, चार्ट पेपर है, तो इसमें हम यहाँ बीच का जो है स्क्वायर जो सेल होता है ग्रेडियंट में बहुत सारे, वो होगा 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात आप ध्यान में रख के 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर टाइप का ग्रेडियंट ड्रॉ कर लीजिए तो आपका वो जो है अच्छा बन जाएगा स्केच। तो गाइज, हमारा ग्रेडियंट ड्रॉ हो चुका है। इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रेडियंट ही ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली वीडियो होगी उसमें सिर्फ हम आउटलाइन और शेडिंग का काम करेंगे। इसीलिए अब मैं अगले वीडियो में और ग्रेडियंट का काम नहीं करने वाला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।